नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरा स्वाभिमान। आज भी कुछ हुआ है भाभी जी? पुष्पा संगीता की कामवाली पूछती है। कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर, संगीता कहते हुए रसोई से बाहर चली गई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जिस मुंह को उसने दुपट्टे के पल्ले से ढाक कर रखा था उसमें से उसके गालों पर पड़े निशान उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थक गया हो। फिर भी उसने घर वालों का नाश्ता बनाया। संगीता सोफे पर बैठकर अपनी 8 साल की बेटी को एकटक देख रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर रही थी, जब कल रात उसे पिटता देखकर उसकी बेटी रोते हुए इधर उधर भाग कर कह रही थी, दादी आप पापा को बोलो ना मम्मी को ना पीटे, बुआ आप चलो ना पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। फिर वह राकेश संगीता के पति से बोली, पापा प्लीज़ मम्मी को छोड़ दो। लेकिन राकेश अपने गुस्से में कहाँ किसी की सुनता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और फफक कर रोने लगी। तभी रिया के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ आप मत रो, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी मैं पापा को बहुत डांटूँगी। संगीता कुछ देर उसे गले से लगाए रोती रही, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, जाओ अपने कमरे में बैठकर पढ़ लो। रिया के वहाँ से जाते ही संगीता अपनी अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमान से संगीता की शादी उसके माँ बाप ने राकेश के साथ की थी। संगीता के माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और उतने ही सीधे भी। संगीता को राकेश ने एक शादी में देखा था। उसके बाद से ही वह शादी के लिए 2 साल तक उनके घर वालों के पीछे पड़ा रहा। संगीता उस वक्त MA फर्स्ट ईयर में थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। राकेश उसके घर अपने रिश्ते के लिए घर वालों को भेजता रहा। यह सब देखकर कई बार संगीता की माँ बोल पड़ती, कितना पीछे पड़ा है वह तेरे मना करने के बावजूद भी कहीं शादी नहीं करना चाहता। भाई हमें तो लड़का भाग गया, तू हाँ कर तो हम भी हाँ कहें, वह खुश रखेगा तुझे। संगीता की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्तों को हाँ कर दिया। शादी के 10 दिन बाद ही उसके गाल पर पहले थप्पड़ ने ही उसके पति राकेश के प्यार का इजहार कर दिया था। छोटी सी बात तो थी जब राकेश की माँ ने कहा, राकेश हमारी गुड़िया कितना काम करती है, लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना नहीं सिखाते। तेरी जिद की वैसे शादी कर ली तो क्या अब हमें बहू का सुख नहीं मिलेगा? राकेश बोला, संगीता माँ क्या कह रही है, ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुमसे नहीं हो पाता? इससे पहले संगीता कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब ये तो कहेगी मैं काम करती हूँ और तू भी इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर हाँ में हाँ मिला देगा, चल गुड़िया काम करें। आह मेरे पैरों का दर्द। लेकिन कहते ही संगीता के कान और दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। राकेश बोला, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलेगा मैडम, अपनी जिम्मेदारी समझो और आज के बाद यह सब कलेश नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए राकेश ऑफिस चला गया। वह पहला थप्पड़ था जो उस दिन संगीता के गाल पर नहीं उसकी आत्मा पर पड़ा था। संगीता पूरे दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही, यूं ही निडाल थी। लेकिन किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि खाना खाया कि नहीं, किसी ने 2 शब्द प्यार के नहीं बोले। उसके घर में काम करने के बाद भी यह जताते रहे कि थप्पड़ मार के उनके लड़के ने अपने को जोरू के गुलाम के लेवल से बचा लिया, क्योंकि आज उसने मर्द होने का प्रमाण दिया। संगीता ने शाम को अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ ये घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है, क्या पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा है? तभी वहाँ से माँ सकपकाहट के साथ बोली, संगीता बेटा यह सब छोटा मोटा तनाव हर घर में होता है, अभी नई नई गृहस्थी है, धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नरम है लेकिन कहा सुनी तब भी हो जाती है, दामाद जी अच्छे हैं, गलती से हाथ उठा दिया होगा, बेटा थोड़ा सहन करना पड़ता है गृहस्थी के लिए, हमने तुम्हें डोली भेजा है। लेकिन यह सुनते ही संगीता ने फ़ोन काट दिया। उसे समझ में आ गया था कि माँ आगे क्या बोलेंगी। आज 10 साल में उसे अब याद नहीं कि वह हर छोटी बात के लिए कितना पिटी। आज भी राकेश वैसा ही है, किसी भी बात का सलूशन सिर्फ थप्पड़। 2-3 दिन बाद सॉरी बोल दिया, बाहर डिनर करा दिया, चलो तुम्हारी पसंद की ड्रेस ले आते हैं,
अरे यार, ऑफिस का प्रेशर था। तुम तो जानती हो माँ को, वह तो ऐसी ही रहेगी। लेकिन तुम तो समझदार हो, गुड़िया तुम्हारे रहते काम करे तो भाभी होने का क्या मतलब है, यही सब कहता रहता था बाद में अपनी बात ऊपर रखने के लिए। लेकिन उस थप्पड़ का जिक्र भी नहीं होता था। उसके बाद संगीता क्या महसूस करती थी, इस बात का कोई मतलब नहीं था। संगीता भी कुछ नहीं कहती, उसे डर लगता है कि अभी तो बात संभली है, कहीं मेरे कहने से फिर किसी बात पर राकेश नाराज़ हो जाए तो, या फिर मारपीट हो जाए तो। लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती है। अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, संगीता नाश्ता नहीं बना क्या, अभी भूख लग रही है, गुड़िया का पकौड़े खाने का मन है, पकौड़े बना दो। सासू माँ बोली, संगीता कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली, रसोई में जाते हुए, पुष्पा पकौड़े तू बना रही है, संगीता कहाँ है? सासू माँ बोली, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना रही हूँ, आप भी आराम से खा लीजिए। पुष्पा बोली, अब बताओ ये नखरे हैं इनके? ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए संगीता को देखकर बोली, क्या बात हो गई, अब सोफे से नहीं उठोगी, क्यों गुस्सा दिलाती हो राकेश को? राकेश कहाँ है? राकेश के कमरे की ओर जाते हुए, आज संडे है, राकेश देर तक सोता है। उठ जा बेटा, तू उठेगा शायद तभी नाश्ता मिलेगा हमें, महारानी सोफे पर बैठी हैं, तेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, रोज की किचकिच है इस घर में। राकेश बिस्तर से उठा, इसकी तो गुस्से में कमरे से बाहर निकला ही था कि तभी संगीता की नज़र रिया पर पड़ी, जो अपने कमरे के दरवाजे से छुप के देख रही थी, जैसे उसकी आंखें उससे कह रही हो, माँ मुझे भी डर लग रहा है अब तो। संगीता रिया की आंखें देखकर सहर उठी, एक अजीब सा एहसास था। राकेश ने जैसे ही हाथ उठाया तभी संगीता ने अपना मोबाइल टीवी पर पटका। उसका ये रवैया देख राकेश बोला, कैसी पागल औरत है, टीवी तोड़ दिया, अब क्या इसके पैसे तेरे बाप देंगे? उसकी तरफ से ध्यान हटा और टूटा मोबाइल और टीवी देखने लगा अपने हाथों में उठा के। हे राम, कितना नुकसान हो गया, कुछ अकल है कि नहीं तुझमें संगीता? सासू माँ बोली, लेकिन जैसे आज तो संगीता कुछ और ही थी, चिल्लाकर बोली, बस कीजिए आप लोग, 10 साल से आज आपका टीवी टूटा है तो नुकसान हो गया, 10 साल से इस घर में मेरे शरीर से लेकर आत्मा तक टूट के बिखर गई, वह नुकसान नहीं है, वह आज तक किसी ने नहीं गिना, मेरी बेटी के आंसुओं और उसके छोटे मन पर जो जोर पड़ा वह किसी ने नहीं गिना, जिस दिन राकेश ने मुझे पहला थप्पड़ मारा तब उसकी आह नहीं निकली जैसे टीवी टूटने पर निकली, तो आज कुछ और ही कहानी होती मेरी। और राकेश तुमने जैसे इन टूटी चीज़ों को देखा, वैसे एक जीते जागते इंसान का टूटना तुम कैसे नहीं देख पाए? तुम्हारी टूटी हुई चीज़ों की कीमत तो मेरे पापा मांगने पे दे ही देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा? तुम्हारी माँ? दे पाओगे तुम? मेरी माँ ने कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और मैं ठीक होने का इंतजार 10 साल करती रही, कितनी बेवकूफ़ थी। तुम्हें तो मुझे मार पीट कर अपने मर्द होने का एहसास मिलता हो, लेकिन मुझे अब सहन करके तुम्हारे घर की अच्छी बहू होने का खिताब नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के सामने अपने को कमज़ोर दिखाकर उसे कमज़ोर नहीं बना सकती। अगर अब मैंने सहन कर लिया तो कल को रिया भी किसी आदमी से पीटने को अपना भाग्य मान लेगी। ऐसा है, ज़्यादा बोल रही है, निकल जाए इस घर से अभी। राकेश बोला, मैं घर से निकल जाऊँ क्यों? अगर मैं इस बार अपनी आवाज़ को बुलंद कर दूँ तो तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा, बाहर निकलने की देर है, तो बोलो मैं बाहर जाऊँ या तुम लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे? और आज के बाद अगर मुझे किसी ने भी हाथ भी लगाया तो मजबूरन मुझे कानूनी अधिकार मांगना पड़ेंगे। शायद जो आप जैसे पढ़े लिखे समाज के शरीफ बनकर रहने वाले लोग नहीं चाहेंगे, संगीता बोली। राकेश को संगीता का यह सब कहना अच्छा नहीं लगा, उसका ईगो कैसे उसको बोलना बर्दाश्त करता। उसने संगीता का हाथ खींचा, राकेश का दिमाग और कान सुन हो गए, जोर की एक आवाज़ से कमरा गूंज उठा, सास और नंद के मुंह से भी आवाज़ नहीं निकली। संगीता का तेवर देखकर आज तो सबका ईगो, जुबान, ताने सब एकाएक शांत हो गए। संगीता ने आवाज़ लगाते हुए कहा, पुष्पा पकौड़े ले आना मेरे और रिया के लिए, भूख लगी है। संगीता आज समझ चुकी थी कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा उसको सहन करने वाला बुरा होता है, वह वैसे भी सब कुछ करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी हो रही है, लेकिन आज एक बुरी बहू
बुरी पत्नी बनना स्वेच्छा से मंजूर था, लेकिन उसे एक बुरी माँ बनना मंजूर नहीं था जो अपने लिए नहीं लड़ सकी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।